जिस वक्त अभी थोड़े टाइम पहले, चाहे आप CAB NRC के टाइम पे देख लीजिए या उससे भी पहले, जब ये सारी चीज़ें होती, जब कम्युनिस्ट पार्टीज़ और बहुत सारी पार्टीज़ आती थी, जब बोलती थी इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब वो पार्टी कहीं पे भी नहीं दिख रही। अब मतलब वो ये नहीं बोल रही कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह चाइना तेरे टुकड़े होंगे, ये वो, तो वो सारी पार्टीज़ अब कहाँ हैं? अब चलिए, अगर आपको टिकटॉक इतना, वो बात यही थी कि एक ट्रेंड चल जाता है, एक नाम की वैल्यू हो जाती है कि टिकटॉक 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 सुनते हुए आ रहे हैं, टिकटॉक, तो लोगों को ना वो बहुत कूल लगता है कि हाँ भाई हम इसमें आ गए तो इस तरीके से हो गए। और लोगों को अब वो चीज़ बेकार इसलिए लगेगी क्योंकि अब वो इंडियन ऐप यूज़ करेंगे, तो उस उनको लगेगा अरे यार क्या ये वो, मतलब हम पहले की तरह कूल नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, अब टिकटॉक रोपोजो या फिर और भी बहुत सारी ऐप्स हैं, इसमें आना बहुत वैसा है, ये है वो है, इंडियन ऐप्स हैं ये। तो मैं उनको ये बोलूँगा कि भैया आप रहते भी तो इंडिया में ही हो, आप कहाँ रहते हो? तो अगर आपको इतना ही, अगर उनके ऐप्स से भी इतना ज़्यादा प्यार है, तो आप वहीं जाके क्यों नहीं चले जाते? राहुल गांधी ने एक वीडियो जारी किया था कि चाइना लद्दाख के अंदर तक घुस आया है, और अब ये बात सुनने में आ रही है कि ये वीडियो फेक थी, इसके बारे में आपका क्या कहना है? राहुल गांधी ने ये चीज़ करके दिखा दिया कि उनको पॉलिटिक्स लाइन में या लोग पप्पू क्यों बोलते हैं और उन पर इतने मीम्स क्यों बनते हैं। मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम सभी इंडियंस को ना कांग्रेस ना BJP ना बनकर एक इंडियन बनके लड़ना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसी वीडियोस वायरल हो रही है जिसके चलते हमारी, मतलब पूरे वर्ल्ड में एक तरह से इमेज डाउन होगी कि इस तरीके से कि इंडिया मतलब अपने लद्दाख को भी नहीं बचा पाया, जबकि वो वीडियो बिल्कुल फेक थी। वो जो उस वीडियो में जो बंदा था, जो राहुल गांधी ने शेयर करी थी वीडियो, और जिस वीडियो में बंदा था, वो बंदा उनके जान पहचान, मतलब कांग्रेस से रिलेटेड था वो बंदा। मतलब उन्होंने सिर्फ ये फेक वीडियो इसलिए बताई कि मोदी जी को नीचा दिखाने के लिए, कि मोदी जी, मतलब कम से कम, चलिए आप मोदी जी की रिस्पेक्ट नहीं करते, कम से कम आप हमारे जवानों की तो रिस्पेक्ट करिए जो वहाँ पर इतनी लड़, उनको कैसा लगा होगा ये वीडियो देख के, ये मतलब उनको कैसा लगा होगा कि इस चीज़ पे भी पॉलिटिक्स हो रही है? तो ये बहुत ज़्यादा, एक तरह से बहुत ज़्यादा दिल दुखाने वाली एक चीज़ थी जो उन्होंने करके दिखाई। हम इंडिया में अच्छा, अब सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि जिस वक्त अभी थोड़े टाइम पहले, चाहे आप CAB NRC के टाइम पे देख लीजिए या उससे भी पहले, जब ये सारी चीज़ें होती, जब कम्युनिस्ट पार्टीज़ और बहुत सारी पार्टीज़ आती थी, जब बोलती थी इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, अब वो पार्टी कहीं पे भी नहीं दिख रही। अब मतलब वो ये नहीं बोल रही कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह चाइना तेरे टुकड़े होंगे, ये वो, तो वो सारी पार्टीज़ अब कहाँ हैं? अब हम सबको एक होना पड़ेगा और सबको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि हाँ, चाहे आपको चाहे मोदी जी पसंद हैं या नहीं है, अगर आप उनके साथ नहीं स्टैंड ले सकते, एटलीस्ट आप इंडिया के साथ तो स्टैंड ले सकते हैं, एटलीस्ट हम हमारे जवानों के साथ तो आप खड़े रह सकते हैं, उनके पीछे आप रह तो सकते हैं, उनको आप मतलब हौसला दिला सकते हैं कि हाँ हम आपके साथ हैं। ये सारी वीडियो और आप ये सोचिए कि अगर सपोजली अगर 2019 में मोदी जी इलेक्शन हार जाते और कांग्रेस आ जाती, तो हमारे PM राहुल गांधी होते, और मतलब राहुल गांधी को ये समझना चाहिए वो इतनी ऊपर इतनी बड़ी पोजीशन में है और उसके बाद भी ऐसी वीडियो शेयर करना, ये बिल्कुल एक बचकाना हरकत थी। ये बिल्कुल, मतलब इसको आप पॉलिटिक्स भी नहीं कह सकते, इसको आप ये कहेंगे कि बहुत बचकाना हरकत थी। और सीरियसली इस चीज़ से काफ़ी लोगों के इस चीज़ पे कमेंट भी है, और इस चीज़ में काफ़ी लोगों ने बोला कि ये बिल्कुल भी सही नहीं था, और ये सबको अंदर से पता है ये बिल्कुल भी चीज़ सही नहीं थी। ओके, तो मोदी जी के सरप्राइज विजिट के बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत एक अच्छी चीज़ मोदी जी ने करी थी कि वो वहाँ पे हमारे सेना का बल बढ़ाने गए, उनको प्रेरित किया, उनको प्रेस किया, और काफ़ी लोगों ने इस चीज़ पे भी कमेंट करे। मतलब देखिए, इस चीज़ का विरोध तो काफ़ी लोग कर ही रहे हैं कि ये सिर्फ एक नाटक था, ये जो वो लोग बोलेंगे, लेकिन मेन बात ये है हमारी जो सेना का बल बढ़ा उससे, हम इससे दो चीज़ें हुई, एक तो हमारी सेना में आत्मविश्वास और ये सब चीज़ें आई कि हाँ, कि हमारे पीछे हाँ हमारी गवर्नमेंट पूरी तरीके से सपोर्टिव है, और दूसरी ये चीज़ हुई कि चीन ने तो देखो घुटने क्रिकेट की तरह रंग बदल ही दिए हैं और घुटने टेक ही दिए हैं जब से हमने उनकी सारी ऐप्स वगैरह बैन करी है, ठीक है। तो चीन के इस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत गलत हो रखा है कि वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। तो इससे यही दो चीज़ें हुई कि चीन को पता लग गया कि हाँ इंडिया की ताकत क्या है, इंडिया का अब वो 70 साल पुराना वो वैसा कांग्रेस वाला वो नहीं है, अब ये BJP की सरकार है और अब ये मोदी जैसा प्रधानमंत्री है हमारे साथ, कि अब उनको हर चीज़ का मुंह तोड़ जवाब देगा। हम एक छोटा सा टुकड़ा भी अपना किसी को नहीं देंगे, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो चीन हो,
चाहे वो कोई भी और देश हो, हम एक टुकड़ा भी नहीं देंगे। तो ये बहुत अच्छा डिसीजन था और बहुत सही किया मोदी जी ने कि हमारे सेना का वो आत्मबल बढ़ाने गए। हमें बहुत गर्व है मोदी जी पे। तो चाइना ने अपना रंग गिरगिट की तरह बदल दिया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हम इंडिया ने ये बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि चाइना के इतने सारे ऐप्स बैन कर दिए और चाइना को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और बात यह है कि जो चाइना का प्रेसिडेंट है उसको ये नहीं पता कि अब क्या करना है, कैसे क्या करना है, मतलब कुछ उसे समझ नहीं आ रहा है। तो ये चाइना अब क्रिकेट की तरह रंग बदलेगा, क्योंकि चाइना को पता है उसका सारा जो ट्रेड है, सारी जो चीज़ें हैं वो इंडिया के साथ ही होती है। मतलब जैसे कि आप मान लीजिए दिवाली में जितने भी हमारे ये पटाखे हो गए या फिर आप जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं सारे चाइना के, इंडिया में ज़्यादातर इंडिया की पब्लिक है जो यूज़ करती है। लेकिन अब मोदी जी ने क्या कहा था, आत्मनिर्भर भारत। जैसे कि हमने टिकटॉक बैन किया, टिकटॉक के अलावा भी बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं इंडिया के, बहुत सारे ऐसे बहुत अच्छे अच्छे, जैसे एक है रोपोजो, उसके मतलब आप लगा लीजिए जब टिकटॉक बैन नहीं हुआ था उस वक्त उसके कुछ 1 मिलियन डाउनलोड्स थे। आज उस आप उसको गूगल में सर्च करना और आप उसको गूगल प्ले स्टोर में सर्च करना, आज उसके 50 मिलियन से ज़्यादा, 50 मिलियन से बहुत मतलब बहुत अच्छे उसके वो हो चुके हैं। तो यही आत्मनिर्भर भारत, और ऐसे ही अब धीरे धीरे करके हम अपने प्रोडक्ट्स भी इसी तरीके से यूज़ करेंगे। मतलब इंडिया अब इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि अब हम अपने खुद के प्रोडक्ट्स बनाएंगे, हमें किसी पे डिपेंडेंट रहे, और वैसे भी हम कभी किसी पे डिपेंडेंट थे भी नहीं, ठीक है। और टिकटॉक, जहाँ तक टिकटॉक की बात है, तो बहुत लोग इससे परेशान भी है, बहुत लोग इससे ये भी बोल रहे हैं कि अब अगर आपको लगता है कि अगर टिकटॉक आपने बैन कर दिया और हम इंडियन ऐप्स पे आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। तो मैं बस उनसे यही बोलना चाहूँगा कि चलिए अगर आपको टिकटॉक इतना, वो बात यही थी कि एक ट्रेंड चल जाता है, एक नाम की वैल्यू हो जाती है कि टिकटॉक 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 सुनते हुए आ रहे हैं टिकटॉक टिकटॉक, तो लोगों को ना वो बहुत कूल लगता है कि हाँ भाई हम इसमें आ गए तो इस तरीके से हो गए। और लोगों को अब वो चीज़ बेकार इसलिए लगेगी क्योंकि अब वो इंडियन ऐप यूज़ करेंगे, तो उनको लगेगा अरे यार क्या ये वो, मतलब हम पहले की तरह कूल नहीं रहेंगे, ये नहीं रहेंगे, अब टिकटॉक रोपोजो या फिर और भी बहुत सारी ऐप्स हैं इसमें आना बहुत वैसा है, ये है वो है, इंडियन ऐप्स हैं ये। तो मैं उनको ये बोलूँगा कि भैया आप रहते भी तो इंडिया में ही हो, आप कहाँ रहते हो? तो अगर आपको इतना ही, अगर उनके ऐप्स से भी इतना ज़्यादा प्यार है तो आप वहीं जाके क्यों नहीं चले जाते? तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन प्रोडक्ट्स का और इंडिया की ऐप्स का, इन सब का यूज़ करना चाहिए और हमें खुद पर स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। बाकी जब तक बाकी जितना भी मतलब ये सब चीज़ें चल रही हैं, अभी जो वॉर वगैरह ये सब चीज़ें चल रही हैं, तो ये सब सारा काम अब बस हम मोदी जी पे हमारा पूरा ये विश्वास है कि वो सही, बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे और बिल्कुल सही करेंगे हमारे सैनिकों के साथ। और बाकी हमारे सैनिक इतने ज़्यादा स्ट्रांग है कि हमें यकीन है कि वो इंडिया का एक इतना सा भी टुकड़ा वो किसी के मतलब किसी भी देश को होने नहीं देंगे, इतना सा भी टुकड़ा हम नहीं देंगे। बाकी जितनी भी जिम्मेदारी होती है, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और सेना भी अपना बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है, अब हमारी जिम्मेदारी होती है, बस मैं ये बोलना चाहूँगा, हमारी जिम्मेदारी इतनी होती है कि हम बॉर्डर पर जाके नहीं लड़ सकते, हम कोई डिसीजन नहीं ले सकते, एटलीस्ट हम यहाँ पर रहकर हम कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम कम से कम, चलो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, हमें ये सब चीज़ें करके, जैसे राहुल गांधी ने चीज़ें करी, ये सब चीज़ें करके हम उनका मनोबल कम ना करें, मेरी इतनी रिक्वेस्ट है। बाकी हम देश के साथ हैं। जय हिंद।